आज एक और क्विज पे चर्चा करें हम। आज का जो विषय है वह है कारक। आइए देखते हैं आप और हम कितना इसका जवाब दे पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आया, राम अयोध्या से वन को गए, इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक है या किस कारक का बोधक है? पहला विकल्प कर्ता, अपादान और करण, तीन ही विकल्प दिया हूँ। जी हाँ, यह अपादान है। अगला प्रश्न है, इन वाक्यों में से किसमें करण कारक का चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, लड़की घर से निकलने लगी है, पहाड़ से नदियाँ निकली हैं। इसका विकल्प है, बच्चे पेंसिल से लिखने लगे हैं। मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस प्रकार का चिन्ह कारक किस प्रकार का है? संबंध कारक, अधिकरण और कर्म। अधिकरण कारक होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है? को से ने के द्वारा, को है इसका विकल्प। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में से चिन्ह कर्ता के साथ है? वह पानी से खेलता है, मुझसे चला नहीं जाता, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मुझसे चला नहीं जाता सही उत्तर है। अगला है, राधा कृष्ण की प्रेमिका थी, इस वाक्य में की चिन्ह किस कारक की ओर संकेत करता है? करण कारक, कर्ता या संबंध कारक? सही उत्तर है संबंध। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में कर्म कारक का चिन्ह आया है? पिता ने पुत्र को बुलाया, सेठ ने नंगों को वस्त्र दिया, मोहन को खाने दो। सही विकल्प, पिता ने पुत्र को बुलाया। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है? में और पर, अरे और ओ, को के लिए, से के द्वारा, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर है को के द्वारा। गरीबों को दान दो, गरीब किस कारक का उदाहरण है? करण, संप्रदान या कर्म? ये संप्रदान होगा। अगला प्रश्न है, श्री राम ने बाणों से सुरसा को मारा, इसमें बाण से कौन सा कारक है? अपादान, करण, संप्रदान या कर्म? यह है करण कारक। अगला प्रश्न, राजा ने वजीर को बुलाया में वजीर को में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण, संप्रदान या कर्म कारक? इसका उत्तर है कर्म कारक। अगला प्रश्न, अपादान कारक किस वाक्य में आया है? लड़का छत से कूद पड़ा था, वह जाति से वैश्य है, हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है। सही विकल्प, लड़का छत से कूद पड़ा था। अगला प्रश्न है, राजा ने वजीर को पुस्तक दी, इसमें वजीर को में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान या कर्ता कारक? सही विकल्प है संप्रदान कारक। अगला प्रश्न, अजी सुनती हो, इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्ता, इनमें से कोई नहीं या संबोधन कारक? यह है संबोधन कारक। आपकी चिट्ठी मिली में कारक है संबंध, अपादान, संप्रदान और अधिकरण, यह है संबंध कारक। अगला प्रश्न है, बालक छुरी से खेलता है, छुरी किस कारक की ओर संकेत करता है? संप्रदान, करण या अपादान? करण कारक होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य संप्रदान को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है? धोबी को कपड़े दो, भिखारी को कपड़े दो, राजू को जाने दो। सही विकल्प है भिखारी को कपड़े दो। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में अपादान कारक बताएं। हिरण शेर से डरता है, राजेश ने बैट से शेर को मारा, सरिता ने भिखारी को भोजन कराया या इनमें से कोई नहीं? हिरण शेर से डरता है। 19वां, वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इस वाक्य में रेखांकित पद किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान, करण या कर्म? यह करण कारक है। और दोस्तों, सदा की भांति इस बार भी आखिरी प्रश्न आपके लिए, वह मैं छोड़ देता हूं। प्रश्न है, राजेश अपने भाइयों में से बुद्धिमान है, वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संबोधन कारक, करण कारक और अधिकरण कारक? दोस्तों, हर बार की क्विज में मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं और यह आशा करता हूं कि आप लोग इसका जवाब देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने भी संदेश बॉक्स में किसी प्रश्न का जवाब देने
का प्रयास नहीं किया। यदि आप चाहते हैं इस तरह के क्विज बराबर आते रहें तो जवाब जरूर दीजिएगा। ये है 21वां प्रश्न, कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह है ने को के वास्ते और के लिए। और इसके साथ ही आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं।